हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। तो आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में जो है एक अच्छा मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट यहां पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इंटरेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं जो कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, क्या हम लोगों का यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान होने वाला है, किस लेवल पर एंट्री और एग्जिट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट हम लोगों के सामने खुला हुआ है, एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हम लोगों को दिखा था। उसके बाद जो है स्टॉक आपको कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक आया, बट उसके बाद फिर से सेलर्स आए। बट यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा मूवमेंट फिर से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 700 का स्विंग लो जो है आपको इंटैक्ट है, उसके नीचे का स्विंग लो जो है इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। और ऊपर साइड में जो है अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक अच्छा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, और ये डेली चार्ट में बना है नीचे की साइड से 725 के लेवल से जो है एक अच्छा यहाँ पे जो है लोअर वीक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है, जो कि आपको एक बुलिश साइन कहीं ना कहीं इस स्टॉक में इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ जो है आपको बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, तो अब जो है यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। तो चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं जो कहाँ पे एंट्री करना है। सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे आपको 740 लेवल के ऊपर। 740 के लेवल के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको यहीं से सेलर्स आए थे। तो अगर यहाँ पे आपको ये लेवल क्रॉस होता है, तो इस लेवल को क्रॉस होते के साथ जो लोग भी यहाँ पे आपको शॉर्ट करके रखे होंगे उनका स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग हाई के ऊपर में होगा, उन सभी लोगों का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होगा। साथ ही जो है आपको यहाँ पे प्रेस बायर्स भी वेट कर रहे होंगे इस हाई को ब्रेक होने का, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो हम लोग 740 के ऊपर एंट्री लेने वाले हैं। चलते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट में जो कैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो है हम लोगों को गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज जो है हायर टाइम फ्रेम को मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की साइड निकल चुका है। साथ ही यहाँ पे इस लेवल पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा रेसिस्टेंस स्टॉक जो है यहाँ पे ले रहा है। तो अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक निकलता है 740 के ऊपर, 15 मिनट का एक अच्छा कैंडल अगर क्लोज होता है, तो फिर यहाँ पे जितने लोगों ने भी शॉर्ट कर रखा होगा उनका स्टॉप लॉस ये लेवल होने वाला है। और साथ ही साथ जो है आपको फ्रेश बायर्स भी इसी लेवल पे आपको एंट्री करने वाले हैं, वो लोग भी इस लेवल का वेट कर रहे होंगे जो कब ये लेवल ब्रेक होगा, जो वो लोग जो है यहाँ पे आपको एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा रेंज यहाँ पे बना हुआ है 720 से 740, ये आपको स्टॉक के लिए एक अच्छा रेंज बना हुआ है। स्टॉक कंटिन्यू आपको इस रेंज में होवर कर रहा है, तो अगर यहाँ से आपको रेंज ब्रेकआउट भी होता है, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई भी है, डेली चार्ट में भी ये स्विंग हाई आपको है, तो इसलिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग मोमेंटम जो है ट्रिगर हो सकता है, और हम लोग जो है यहाँ पे एक इजी पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोगों का रहेगा 720 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट हम लोगों का 35 to 40 पॉइंट होने वाला है, जो कि हमको हम लोगों को एक से दो दिन के अंदर टारगेट अचीव हो सकता है। तो इसलिए 740 के ऊपर 15 मिनट का एक अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे जो है एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो है 720 का होने वाला है, टारगेट हम लोगों का जो है स्टॉप लॉस का डबल होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।